अच्छा, लेनोवो डॉट कॉम पे ऑफर का डिटेल आ गया है। तो सेम वही पहले वाला जो कैशबैक चल रहा था, जैसा मैं कह रहा कि देखो यार कैशबैक तो रहेगा, पहले भी कहा था मैंने कैशबैक रहेगा, लेकिन जो बेस प्राइसेस हैं लैपटॉप के वो इससे ज़्यादा सस्ते नहीं होने वाले। उस टाइम में मैंने कहा था दिवाली में नहीं होंगे सस्ते, ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड अपना जो 60,000 वाला लैपटॉप था, जिसका लिस्ट प्राइस था 69,990, ये पहले था 67,990 का, 58 के करीब पड़ रहा था, करीब 3,000 रुपये बढ़ गया। दुख हुआ बहुत यहाँ पे, ये जो अपना 70 वाला जो लैपटॉप था, ये करीब 6,000 बढ़ गया है ना। ये लैपटॉप 83,890 का हो गया। अच्छा, एक भाई ने पूछा था कि भैया ये यहाँ से यहाँ कैसे आते हो, ये 69 आप दिखाते हो, 69,990 और आप जोड़ के बताते हो 61.5। तो एक जल्दी से बता देता हूँ, सब कोई देख लो। सबसे पहले तो एक स्टूडेंट डिस्काउंट होता है ना, ये लिख रखा है ना, लेनोवो स्टूडेंट स्मार्ट डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने किधर रखा है वीडियो, देख रहे हो क्या क्या करना पड़ता है पढ़ने के लिए। ये रहा स्टूडेंट वाला जो वीडियो, स्टूडेंट डिस्काउंट वाला, ठीक है ना। यहाँ पे जाओगे, एक कूपन कोड मिल जाएगा, एक कूपन कोड मिल जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, 5% तुम्हारा डिस्काउंट लग जाएगा टोटल ऑर्डर पे, ठीक है। तो पहला 5% वहाँ से आया, और दूसरा जो 5,000 रुपया माइनस है, वो 5,000 रुपया है इसके वजह से, ये दिख रहा है, अप टू 5,000 कैश बैक। तो लीजन पे 5,000 या 10% है, आइडिया पैड पे 5,000 या 5% है। तो जनरली आइडिया पैड 5% ही लगता है, आइडिया पैड का देखोगे फार्मूला अलग है, आइडिया पैड में देखोगे 5% लगा है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये रेट आया है। एक भाई पूछ पूछ के यार परेशान कर दिया था, यार तुम सही बता रहा हूँ इंस्टा पे कि कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है, मैं 5 बार होता हूँ, मेरे को 5 बार समझाना पड़ रहा है, तो ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अल्टीमेटली तुमको इतने का पड़ेगा। अच्छा, ये रेट कम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ठीक, तो अब एक बार बात करते हैं रेट वगैरह का। फ्लिपकार्ट का सेल अभी रात को होने वाला है, 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, अभी 4 घंटे में हो जाएगा, टेंशन मत लो। फ्लिपकार्ट का देखने दो ऑफ़र क्या आता है नहीं आता है ना, उसके बाद डिसाइड करना। लास्ट सेल के अकॉर्डिंग चलें तो लेनोवो से सस्ता कहीं नहीं मिला, ऑनेस्टली लेनोवो से सस्ता नहीं मिला। एक ही केस में लोग फ्लिपकार्ट या अमेज़न या फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे गए, जब उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, ठीक है ना। जब क्रेडिट कार्ड नहीं था और फ्लिपकार्ट या अमेज़न से ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था, तो वो लोग वहाँ से ले लिया जहाँ सस्ता पड़े। 80% लोगों ने तो मुझे लग रहा है क्रोमा स्टोर से लिया है, क्रोमा से और लेनोवो के अपने स्टोर से 80% लोगों ने वही किया, जितना मुझे मैसेज आया, ठीक है। बाकी बहुत लोगों ने लेनोवो डॉट कॉम से ऑर्डर किया है, कुछ ने अमेज़न से किया है, क्योंकि उनको कैशबैक मिल रहा था। अच्छा, तो बात करते हैं लैपटॉप का। ऑनेस्टली बताऊँ, अभी जज कर पाना बहुत मुश्किल है ना, अभी इस टाइम पे जज कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे इतना मैसेज और इतना कमेंट आ गया ना, कि मैं सोचा कि यार एक बना देता हूँ वीडियो, की बार बार मेरे को कमेंट ना करना पड़े। अभी तक 60 में जो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अगर चाहिए, प्रॉपर अगर गेमिंग फोकस है, तो 3050 फुल पावर वाला लैपटॉप अभी तक 3060 इस रेट में नहीं आया है, और ना कोई बढ़िया 3050 बढ़िया प्रोसेसर के साथ इस रेट में आया है विथ मक स्विच। आ जाएगा, सीट में आ जाएगा, मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा, ठीक है। तो 61.5 का लैपटॉप है, फिर भी बढ़िया लैपटॉप है ना, बहुत लोगों ने इस रेट पे लिया है, मैंने तो इससे ज़्यादा दिया, मैंने तो 65 में लिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ 61.5 में भी ये लैपटॉप ठीक है। और मैं पहले जो कहता था कि भैया थोड़ा एक्सटेंड कर लो खुद को, थोड़ा ऊपर चले जाओ और ये वाला लैपटॉप ले लो, देखो पहले डिफरेंस कम था, 58 और 76 था, याद भी नहीं है कितना था, जितना भी था। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मैं पुश कर देता था कि हाँ यार 10,500 से 11,400 पे आओ, क्योंकि इसमें तो तुमको रैम तो खरीदना ही पड़ेगा, 8 GB प्लस 8 GB तो करना ही पड़ेगा, इसमें ऑफिस भी आ जाएगा और थोड़ा प्रोसेसर भी अच्छा हो जाएगा, है ना, थोड़ी बैटरी लाइफ भी बढ़ जाएगी चूँकि प्रोसेसर अच्छा हुआ था। तो मैं लोगों को ये वाला पुश करता था। अब ये बहुत हरामी हो गए हैं, इनको पता चल गया कि ये वाला लैपटॉप अच्छा बिक रहा है, तो इसका जाके दाम बढ़ा दिया। 76,990 था ना शायद पहले MRP, यहाँ पे देखो 83,390 कर दिया। अगर इसको 79 किधर गया भाई, 76,990 करें तो ये 68 का पड़ रहा था, है ना। तब पहले 68 का था, अब 75 का हो गया, तो 5,000-7,000 रुपये बढ़ा दिया इसमें। नहीं, 7,000 में मतलब इस ऑनेस्टली मैं मतलब दाम घटने दो। और हाँ, जो आदमी इस जो लोग इस रेंज में आ गए ना, 70 के रेंज में,
और उनको लग रहा है कि अगर ये मान लो रेट नहीं बढ़ा तो भैया क्या करें। तो एक लैपटॉप है सेम यही, बस उसमें ना 11400H की जगह 5800H है। पहले ये महंगा था, पहले ये 85 का था, अभी खाली इसका रेट कम किया है लेकिन घंटा स्टॉक में नहीं आया। तो मुझे लग रहा है ऐसे प्लेस होल्डर रेट है, ये स्टॉक में नहीं आया। अच्छा ये हटा भी दिया क्या इसने? ले भाई हटा दिया लगता है, रीजन 5 AMD नहीं आएगा तब। ये अगर पेज ही डिलीट कर दिया तब थोड़ी आने वाला, अभी चेक कर लेता भैया। खुल जा सिम सिम, सोच रहा था वीडियो जल्दी बनाऊंगा। अबे ऐसा ही मैं उबंटू पे ही कर लेना चाहिए था, फटाफट हो जाता था उस पर काम, खाली एक्सेल की वजह से ये खोला है। AMD वाला, ये वाला लीजन 5 Gen 6 AMD। देखो दाम कम कर दिया है लेकिन स्टॉक में नहीं। और ये जो ये वाला मॉडल मेरे ख्याल से 1650 है। हाँ ये मत उठालना गलती से, क्या अरे भैया इसका दाम बड़ा कम था मैंने खरीद लिया। देख लेना अच्छा खरीदने से पहले, फ़ोन वोन में यूट्यूब वूट्यूब पर जो किसी ने कह दिया उसकी बात ब्लाइंडली मत सुना करो, ठीक है? ये मत खरीद लियो। और यहाँ हटा दिया मॉडल, एक्चुअली मॉडल हटा दिया, इसीलिए मैंने इसको छुपा के रखा है। एक और लैपटॉप यहाँ छुपा के रखा है, आइडिया पैड गेमिंग 5800H 3050, जो मैं अल्टरनेटिव नहीं दे रहा था 60,000 में, जो बोल रहा था कि भैया ये क्या कहते हैं 10500H मुझे नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा ढंग का प्रोसेस से गेमिंग में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो उनको ये वाला लैपटॉप कहता था आउट ऑफ स्टॉक है, ख़त्म। अब उसके बाद आते हैं यहाँ क्या छुपाया है मैंने, ये तो दिखा दिया आउट ऑफ स्टॉक है यहाँ। अब जो मैंने 1.5 महीने वाला जो डिलीवरी है ना उसको मैंने मिनिमाइज ही करके रख दिया, क्या ही मतलब है भाई 1.5 महीने में दाम इतना ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, कौन 1.5 महीना 2 महीना वेट करेगा लैपटॉप के लिए, कोई मतलब नहीं होता। जो मिल रहा है उसी में डिसाइड करते हैं। हाँ जो वेट कर सकता है बिल्कुल भाई मैं बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि एकदम वर्स डील है। देखो मैं अब इसलिए कह रहा हूँ ना ये बात, क्योंकि अभी अमेज़न पे जितने लोगों ने लैपटॉप लिया बहुत लोगों ने रियलाइज़ किया होगा अभी तक शिप ही नहीं हुआ है, 10 तारीख 15 तारीख का डेट दे रखा है, तो यार 15 दिन इधर वेट हो गया। देखो अगर अगर तुम वेट कर सकते हो ना और गेमिंग तुम्हारा प्राइमरी नहीं है, तो ये दो जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने बनाए थे 74,000 में 12500H 3050 Ti 85 वाट है, तो एटलीस्ट 3050 फुल पावर के बराबर है, 100% sRGB स्क्रीन, ये बहुत अच्छा लैपटॉप है ना। आइडिया पैड का 8 GB का रैम अलग से ख़रीद लेना, तो ये बढ़िया लैपटॉप है। लेकिन मैं बोलूँगा अगर और नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा, 1.5 महीने कौन वेट कर सकता है उन्हीं के लिए। अगर वेट कर सकते हो तो बेस्ट बजट अगर कहोगे तो 80,000 के करीब में तुमको 12700H मिल जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। विथ है 3050, मान के चलो 3050 तुम्हारा 90 फुल पावर वाला है, 3050 Ti है 85 वाट का, लेकिन मैं इस लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि वो कंपेरेबल है उससे। एक ये लैपटॉप मैंने डाला था, अभी मेरे को ना इस पर रिसर्च करना है थोड़ा, ये मेरे हिसाब से नहीं सही है लैपटॉप, फिर भी मैंने डाल दिया है, मैं सोचा कि एक बार देखते हैं इसको। एक्चुअली ना सब कुछ यार प्राइस पे डिपेंड करता है ना, क्या इसका दाम जाता है, क्या इसका रेट वगैरह अगर कम करते हैं तो ये एटलीस्ट इसमें 12500H जहाँ तक मुझे याद है ना, 12500 एटलीस्ट, कंजूसी नहीं किया, 12450 नहीं दे दिया, ठीक है ना? तो ये 12500H है। 3050 Ti यार केवल 60 वाट का, यही मेरे को थोड़ा सा इसमें दुख हो गया देख के, लेकिन अभी आज रात को सेल वगैरह होता है, रेट वगैरह रिवील होता है, बाकी लैपटॉप देखते हैं। तो तब तक के लिए ना इसको यहाँ से हटा देते हैं, वरना गलती से कोई ख़रीद लेगा फिर मुझे कहेगा। अच्छा दूसरा जो लैपटॉप है जो लोग 1 लाख में, पहले मैं इस रेंज को नहीं कंसिडर करता था लेकिन मेरे को इतना मैसेज आ गया 1 लाख के ऊपर में, तो मैं सोचा कि चलो भाई बात कर लेते हैं। तो अगर 1.5 महीना नहीं वेट कर सकते हो, एक 3060 ठीक ठाक लैपटॉप चाहिए है ना, आइडिया पैड चलेगा, लीजन तो नहीं है, मक्सिस तो नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास बिल्ड क्वालिटी तो नहीं है, लेकिन थर्ड क्लास भी नहीं है, सेकंड नंबर पे रख लो, ठीक है ना? तो अगर तुम ये वाला जो लैपटॉप है ना, इससे तुम दूसरे लैपटॉप को कंपेयर करना, अगर कोई 12th Gen तुमको 3060 कम पावर का मिले तो इससे ज़रूर कंपेयर करना। ये 100% sRGB स्क्रीन है, 165Hz वाला, 3060 105 वाट है, आइडिया पैड गेमिंग है, और 12700H बेस्ट प्रोसेसर है ना, आज की डेट में बेस्ट प्रोसेसर है इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट हर चीज़ दाम के हिसाब से। इसी को 2 लाख में बेचोगे तो मैं मना कर दूंगा, ठीक है ना? और ये डिलीवरेबल है,
तो वैसे कोई बकचोदी भी नहीं है। तो ये अभी तक सही था। और ये जो लैपटॉप है लीजन 5 का, 5800, 3060, 130 वाट, ऑनेस्टली बताओ बहुत उदास हूँ मैं इस लैपटॉप से। ये रेट नहीं होना चाहिए इसका। ये एक लीजन का 5800H का 3060 130 वाट का, ये रेट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई डिस्काउंट नहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। बहुत दुख हुआ मुझे ये देखना, ठीक है ना। इनफैक्ट इसको भी ना हाइड ही कर दो, इसको नहीं देखना मुझे। उसके बाद ये तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रखा हो तो कर लो। अच्छा, एक लैपटॉप, हाँ ये हो गया कि अगर मेरे से पूछोगे भैया मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है ना, कितना मतलब किस रेंज तक जाएं कि मेरे को एक ठीक ठाक लैपटॉप मिल जाए, ठीक ठाक गेमिंग हो, मतलब बेस्ट रिटर्न आ जाए मुझे अपने इन्वेस्टमेंट में, तो वो ये लैपटॉप रहेगा, लीजन 5i, ये वाला जो अमेज़न पे लिस्ट हुआ है, मैं देख रहा हूँ लेकिन रेट नहीं आया है और इतना तो नहीं ही आएगा। तो ये 137 का यहाँ दिखाता है और ये तुम्हें पड़ जाएगा 125 का, सब कुछ लगा के। DDR5 रैम है, नया वाला है, 12700। अच्छा, 3060 140 वाट वाला है, 3070 के फुल पावर से, और बस 8% कम है, मैंने देखा था, बस 8% कम है, क्योंकि लीजन और 300 निट्स का स्क्रीन, 165 हर्ज और 100% एस आर जी, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है ना, इसलिए इसको ये रंग कर रखा है। देखो पहले दो तीन रंग था लेकिन अब एक तो ये 60,000 में बढ़िया है, एक ये बढ़िया है और बाकी सब, तो ये गेमिंग वाले को मैंने बढ़िया कर रखा। अच्छा, इस बार मेरे पास तीन भाई आए जिनको कलर एक्यूरेट स्क्रीन चाहिए था, ठीक है ना। तो ये वाला जो कलर एक्यूरेट स्क्रीन है थोड़ा महंगा है, मैं बता रहा हूँ कि तुम किस चीज़ का पैसा दे रहे हो, यही देख लो। देखो ये लीजन 5 है, ये लीजन 5i Pro है, ठीक है। ये तुम 512 GB SSD का पैसा दे रहे हो, 4,000 लगा लो उसका। तुम एक 500 निट्स का 100% sRGB, और दिखा देता हूँ क्या क्या स्क्रीन में, ये देख लो। HDR400 कुछ भेजा सर्टिफिकेशन होता है क्या WX के, जो लोग हैं इस लाइन में उनको आइडिया होगा, डॉल्बी विजन और पता नहीं क्या क्या, जो लोग इस लाइन में हैं उनको अच्छे से पता होगा कि ये इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो जिसको एकदम कलर एक्यूरेट स्क्रीन चाहिए, जो मेरे पास, मुझे लगा नहीं था कि लोग आएंगे लेने के लिए कि भैया एकदम कलर एक्यूरेट स्क्रीन चाहिए, कुछ लोग होते हैं ना उस इंडस्ट्री में, तो ये देख लो HDR400। ये कह रहा था कि कोई मुझे कह रहा था भैया इसका बहुत महत्व है HDR400। तो जिसको कलर एक्यूरेट स्क्रीन चाहिए, लीजन 5 से 125 था, 144 जाओ, मतलब बेसिकली तुम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 25 15, अबे यार मैं सर दर्द कर रहा है, 25 10 35, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हो तुम बेस्ट लैपटॉप से। 20,000 में तुमको क्या क्या मिल रहा है, 4,000 का SSD मिल रहा है, यानी कि तुम 16,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो एक अच्छी स्क्रीन का है। बाकी लैपटॉप बॉडी अच्छा तो है ही, प्रो है, 5i Pro है, थोड़ा उससे अच्छा है ही, रंग बिरंगा है, लेकिन मोटा मोटी बताऊँ कि तुम 15,000 रुपये इस स्क्रीन का दे रहे हो, है ना, नहीं देना चाहिए लेकिन दे रहे हो। दूसरे लैपटॉप्स को इससे ज़रूर कंपेयर करना। बाकी सारे इसी में 3070 3070 Ti का कॉन्फ़िगरेशन, 2 मंथ डिलीवरी, घंटा नहीं लेगा, ठीक है। तो अपना बेसिकली सीन ये बना है और मैं ऑनेस्टली बताऊँ इसमें खुश नहीं हूँ अभी। देखो 60 के लिए तो यही अपना अपना लैपटॉप अभी भी चल रहा है 60 के लिए, ठीक है ना। लेकिन अब जो 60 में जो लोग नॉन गेमिंग कर रहे थे उनको, उनके लिए कोई ढंग का लैपटॉप नहीं आया, लेकिन मैं देखूँगा, आज सेल वगैरह खुलने दो, कल थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करके शाम को, इसीलिए थोड़ा आजकल वीडियो ज़्यादा कम बना रहा हूँ, थोड़ा यार नहीं रह पाता ऑनलाइन, थोड़ा पढ़ाई वगैरह करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला देखता हूँ क्या रेट कल खुलता है, और अभी तक जो इतना मैंने देखा है प्राइस यार लेनोवो पे ही कम है ना, इवन ऑफलाइन से क्रोमा स्टोर सबसे ऑफ ऑनलाइन Lenovo.com पे ही कम है, ठीक है। लैपटॉप्स कुछ मैंने नीचे डाले हैं, है ना, और ये सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सब में, या फिर बहुत महंगा है ना। अगर अगर इन पे डिस्काउंट होता है, अगर ये लेने लायक रेंज में आते हैं और कुछ दो चार कमी के साथ भी, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा, मैं बता दूंगा कि इसमें यह ख़राबी है, लेकिन अगर ये इस रेंज में मिल जाएगा तो लेने लायक है ना। तो ये अभी होल्ड, ये ऑन होल्ड वाले लैपटॉप, ठीक है ना, ये बिना मेरे से पूछे मत खरीद लेना, इसमें से तुम कुछ भी खरीद सकते हो बिना मेरे से पूछे, लिंक पे क्लिक कर जाके खरीद लो, कोई फर्क इसमें मेरे तुम्हें दोबारा नहीं सोचना, ठीक है ना। बाकी वेट कर सकते हो, कुछ दिन वेट करो,
लेनोवो पे तो सेल आ गया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे सेल आने वाला है, मे बी अमेज़न पे भी आया। तो होता क्या है ना कि लेनोवो उनके प्रेशर में आके अपने रेट्स कम करता है ना, वैसे घंटा उनको करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके प्रेशर में आके रेट्स कम करता है। स्टूडेंट डिस्काउंट ऑफलाइन मैक्सिमम जगह नहीं मिलता, तो ये जो डिस्काउंट तुम ऑनलाइन ले रहे हो लेनोवो डॉट कॉम से, मेरे को कुछ भाइयों ने बताया कि भैया हम गए थे स्टोर में, तो मेरे को तो मना कर दिया, बोला कि नहीं वो स्टूडेंट डिस्काउंट आप लोगे तो आपको ऑनलाइन ही लेना होगा, और इवन कैशबैक तक भी बहुत जगह नहीं दे रहे थे, ठीक है ना। तो ये सीन है, और इतने में हो गया अपना वीडियो ख़त्म। अब मैं आगे जो थोड़ा गप करने वाला हूँ इसको बाद में मैं काट वाट के हटा दूँगा। कितना मिनट पे है मैं ज़रा याद रख लूँ, 15 मिनट, 16 मिनट के बाद बकचोदी भरी है, ठीक है। वीडियो बंद तो नहीं हो गया? ठीक, जब से वो हुआ है ना तब से देखता रहता हूँ। अच्छा, HP विक्टस पंखा में स्क्रीन हिलता है, मैं कैसे रिकमेंड कर दूँ? लेकिन कोई मुझे ये वाला लैपटॉप दे रहा था, ये 60 हर्ज का लैपटॉप था, 5500 एम के साथ। मैंने बोला क्या बकचोदी है साला, 60 हज़ार रुपये, 60 हज़ार, 60 हर्ज का नहीं देने वाला लैपटॉप। आइडिया पैड के 3 लैपटॉप थे, 11300H, बहुत वीक प्रोसेसर है, इस रेंज में तुमको 4600H अच्छा मिल जाता है, तो मैंने उसको नहीं रिकमेंड किया था। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है सबका रीज़न। लीजन वाला 1650 है, 1650 इस रेंज में नहीं जस्टिफाई होता है, 64 हज़ार में, है ना, 50 के अंदर होना चाहिए। 1200 1250 मतलब कोई 1200 1450 तो एकदम सोचना ही नहीं है, मतलब काहे का जनरेशन इंप्रूवमेंट मत ही लो। बाकी सब ये सब दाम की वजह से हार गए, ये 10500 अच्छा, देखो यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में ऊपर, वो अच्छा था। लीजन 5 वाला बेटर है मैक्सिमम जगह, देखो 125 के ऊपर जितने लैपटॉप गए ना मैक्सिमम, उनके साथ यही कहानी हुआ कि आइडिया जो अपना लीजन है 12700 3060, उसको कोई बीट नहीं कर पा रहा था ना प्राइस में ना रेट में, ठीक है। एक ये था वेक्टर GP66, ये भी पता नहीं मैंने क्यों डाल रखा है, चीपर देन लीजन नहीं है। बस ये था कि इसमें ना, इसमें था क्या कि 512 GB की जगह 1 TB SSD था, और किसी भाई ने 3 के जो ADP में लगता उसको इंक्लूड कर लिया था लेनोवो में, तो उसका बजट से थोड़ा ज़्यादा जा रहा था, तो मैंने ये लास्ट मोमेंट पे दिलवा दिया, थोड़ा निराश उराश होकर, लेकिन क्या करें, जो दिलवाया सो दिलवा दिया, ठीक है ना। ठीक है, सेकंड में भी ठीक है, लेकिन याद रखना ऊपर वाले चार्ट से चलना, नीचे वाले खाली कंपैरिजन के लिए। यहाँ पे भी वही कहानी है, ये वाला लैपटॉप अच्छा, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ ज़रा सा, इसके बारे में बात करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ सेल के प्राइस के बारे में। जब फर्स्ट दिन सेल खुला था मैंने इस पर वीडियो बनाया था, ये कलर एक्यूरेट स्क्रीन का मैंने तुरंत वीडियो बनाया था, जैसे इसका रेट कम हुआ था कुछ 1.10 के करीब पड़ रहा था, 1.10 1.5 के करीब ये लैपटॉप पड़ रहा था, 11th Gen है ना, जो पढ़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर इसका दाम ज़्यादा कम कर देंगे तो कोई लीजर नहीं लेगा नॉर्मल वाला, है ना। तो इसका जो है पहले और दूसरे दिन प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से इसका दाम 1.11 के करीब था, और किसी एक भाई ने ले लिया, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट चिपकाया था चैट का, यहाँ पे इंस्टाग्राम के चैट में, उसने 1.10 का ले लिया, और ये 1.10 में जो ये कलर एक्यूरेट स्क्रीन मिल गया उसको, मतलब उसके बाद जो ये लैपटॉप बढ़ा 100, उसके बाद फिर ये कम नहीं हुआ, ठीक। यार यार बहुत अच्छा लैपटॉप, अच्छा है, 11th Gen था, थोड़ा ये दुख था, लेकिन जिस रेट में मिल रहा था उसमें मैंने वीडियो डाल दिया था। तो इस बार ध्यान रखना जब सेल शुरू हो, मैंने ये ट्रेंड देखा है कि जो रेट शुरू में है, स्टार्टिंग के दिन में है या पहले और दूसरे दिन में है, वो बाद में नहीं होता। जितना रिसर्च तुमको लैपटॉप का करना है पहले करके रखो, है ना। जैसे स्टार्ट हो जाएगा ना सही, उस समय कब इधर से आया, इधर से स्टॉक गया और कब रेट बढ़ा कुछ नहीं पता है। जितना रिसर्च करना है 2-4 लैपटॉप एटलीस्ट अपना ना एक बना के रख लो कि यार ये लैपटॉप अगर ठीक ठाक रेट में आएगा तो मैं खरीद लूँगा, है ना। डजेंट मैटर ब्रांड, भाई की बात सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, तुमको नहीं लेना लेना वो मत लो, तुम MSI लो, तुम डेल ले लो, कोई बात नहीं है, खैर डेल मत लेना, डिस्प्ले बेकार होता है, लेकिन अगर लेना हो, मैं एक बात कह रहा हूँ, एटलीस्ट 2-4 लैपटॉप ऐसे साइड करके रख दो तुम, है ना, जिसके जो तुम्हें लगे कि यार इस रेट में मैं खरीद सकता हूँ, है ना। हर जगह 50 जगह कंपेयर मत करने लग जाना, जो लैपटॉप तुमको पसंद आ गया ना कि हाँ इसमें ये सब चीज़ें हैं, ये बढ़िया लैपटॉप है, उसका रेट अगर कम हो खरीद लो, ठीक है ना, वेट ना करो। और अगर नहीं है वैसा कुछ तो देखो ये भाई ने लिस्ट इसीलिए बनाई, ये क्या है, ये एक बेस लाइन प्राइस है, ये एक बेस लाइन प्राइस है जिससे तुम बाकी लैपटॉप्स को कंपेयर करवा, है
है ना, कि तुमको इससे बढ़िया डील मिल रहा है कि नहीं, है ना। अगर तुमको इससे जैसे 60,000 में तुमको एक 3060 किधर गया अपना, 3050 सॉरी, ये रहा ना 60,000 के करीब, 62 का हो गया, 62 के करीब में तुमको 3050 मिल रहा है फुल पावर का, 95 वाट का विथ हम स्विच। क्या ऐसा कोई लैपटॉप है इस रेंज में अगर तुम कंपेयर कर रहे हो फॉर गेमिंग, तो ये तरीके से चलना ठीक। उसके बाद नीचे आना, ये जो अपने 80,000 में तुमको एक 5800H मिल रहा है, ये भी एक्चुअली बुरा डील नहीं है, काफ़ी अच्छा डील है ना, अगर आइडिया पैड के साथ रह सकते हो तो। 3060 90 वाट का है, लेकिन ये 5800 है, ये भी काफ़ी अच्छा डील है। 80,000 में तुमको एक लो पावर 3060 मिल रहा है 5800 सा, ठीक ठाक डील है, फिर भी अच्छी डील है। बाकी दाम बढ़ा सकते हो, देखो 1 लाख के रेंज में गए है ना। देखो तुम लीजन से कहीं और जा रहे हो, तुम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, उस कॉम्प्रोमाइज़ का तुमको बेनिफिट मिलना चाहिए है ना। तुम अगर दाम कम करके कहीं और जा रहे हो, तुमको सेम चीज़ कम दाम में नहीं मिल रही है, तो कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर ले लो लीजन, ले लो सीधा है ना। चार्ट को ध्यान, अभी अपडेट मार दूंगा चार्ट को, ठीक है, टेंशन मतलब। उसके बाद और मैं क्या बताना चाहता हूँ, और यार रेट अभी खुलने दो, खुद ही पता चल जाएगा क्या है नहीं है। कुछ चीज़ मैं याद कर रहा हूँ, थी तो बहुत कुछ बताने के लिए, याद नहीं आ रहा। अच्छा सब ना अलग अलग वीडियो बना दूंगा, ये ना अगर एक वीडियो बना दूंगा इतना लंबा तो कोई नहीं देखने वाला है, नहीं मैं बना दूंगा ठीक।